हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मौर्य साम्राज्य के ऊपर, क्योंकि पिछला जो हमारा वीडियो था वो वैदिक काल पे था। वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का काल था, और उन 16 महाजनपदों के काल में जो मगध राजवंश था वहाँ पे जो सबसे बड़ा साम्राज्य बना है वो है मौर्य साम्राज्य। तो उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। ईसा पूर्व 6 सदी के प्रमुख राज्य थे मगध, कोसल, वत्स और वत्स के पौरव और अंति के प्रद्योत। 4 सदी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी शासकों से मुक्ति दिला दी, और इसके बाद उसने मगध की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जो उस समय नंदों के पास था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत में कहा गया है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद राजा को पराजित करके बंदी बना दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के छत्रप मतलब सेनापति सेल्यूकस को हराया था, जिसके फलस्वरूप उसने हेरात, कंदहार, काबुल और बलूचिस्तान के प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया। कर्नाटक के चितलदुर्ग तथा मास्की में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, जो कि उसके पड़ोसी राज्य चोल, पांड या केरल पुत्रों के साथ अशोक या बिंदुसार के किसी की लड़ाई का वर्णन नहीं मिलता। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये प्रदेश चंद्रगुप्त के द्वारा ही जीता गया था। अशोक के जीवन का निर्णायक युद्ध कलिंग का युद्ध था। इसमें उत्कलों से लड़ते हुए अशोक को अपनी सेना द्वारा किए गए नरसंहार के प्रति ग्लानि हुई, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। उसी समय यूनानी यात्री मेगास्थनीस भारत आया। उसने अशोक के राज्य तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज की पटना, का वर्णन किया है। इस दौरान कला का भी विकास हुआ। मौर्य राजवंश का जो वक्त है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का है। इसने 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट भ्रानंद को पराजित किया। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो कि आज बिहार और बंगाल का इलाका है, से शुरू हुआ था, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज की पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विकास किया, और उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था, और अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बेहद ज्यादा विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जो वक्त मैंने वो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। इसके बाद उनके पुत्र का जो वक्त रहेगा वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। उनके पुत्र अशोक का जो वक्त है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। उसके बाद दशरथ मौर्य आएंगे 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक। फिर संप्रति 224 ईसा पूर्व से लेकर 215 ईसा पूर्व। शालिशुक जो 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व। देववर्मन 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व। शतधनवन मौर्य 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। बृहदत्त मौर्य, जो आखिरी मौर्य वंश के राजा रहे, उनका वक्त रहेगा 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। तो हमारे इस मौर्य वंश की जो शुरुआत होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की जाती है। और कुल इसमें 9 शासक हुए हैं। जो आखिरी शासक थे वो बृहदत्त मौर्य थे, जिनका जो वक्त खत्म होगा 185 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी जाती है शुंग राजवंश के राजा द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा, जो इनका सेनापति रहता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यों के मूल के बारे में, जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से शुरू हुई है। तो इन मौर्यों के मूल के बारे में पता करते हैं, ये कहाँ से थे, कौन किस राजवंश के थे, या कबीले थे, जिसपे भी जो अभी हमें भ्रांतियाँ हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत, जो आज के पाकिस्तान का लगभग संपूर्ण इलाका है, सिकंदर के सेनापति का शासन था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण, जिसका नाम चाणक्य था, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिसको जिसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने गया। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली था तथा उसके पड़ोसी राज्यों की आंखों का कांटा भी था, पर तत्कालीन मगध के सम्राट भ्रानंद ने उसको ठुकरा दिया, और उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है और तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिता ही करो। तभी से चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली भ्रानंद को सबक सिखा के रहेगा। मौर्य प्राचीन क्षत्रिय कबीले के हिस्सा रहे हैं। प्राचीन भारत छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त थे। उस वक्त कुछ ही प्रमुख शासक जातियां थे, इसमें शाक्य
मौर्य का प्रभाव ज्यादा था। चंद्रगुप्त उसी गण प्रमुख का पुत्र था जो कि चंद्रगुप्त के बाल अवस्था में ही योद्धा के रूप में मारे गए थे। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे, इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और एवं एक सबल राष्ट्र की नींव डाली जो आज तक एक आदर्श के रूप में याद की जाती है। इसके बाद भारत भर में जासूसों का एक जाल सा बिछा दिया गया जिसने राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने का काम किया था। यह भारत में शायद अभूतपूर्ण था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी सेनापति को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसने गुप्त चतुर के विस्तृत जाल से काफ़ी मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। उसके बाद उसका क्या हुआ यह अज्ञात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और उसके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिला। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो गया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदमन के एक जूनागढ़ शिलालेख में लिखा गया कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक के प्रांतीय गवर्नर थे। पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी शासकों से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिणी तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर जिसे हम अलेक्जेंडर जानते हैं के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। ग्रीक विवरण में इस विजय का उल्लेख नहीं मिलता पर इतना कहते कि चंद्रगुप्त जिसे यूनानी दस्तावेजों में सेंड्रोकोटस का नाम दिया गया है और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी जिसके अनुसार सेल्यूकस ने कंदहार काबुल हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भी भेंट किए थे। इतना ही भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने या उसके पुत्र बिंदुसार से ने सेल्यूकस की बेटी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सेल्यूकस ने मेगस्थिनीस को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। प्लूटार के अनुसार सेंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस जो शब्द है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ग्रीक भाषा में लिया जाता है। उस समय तक सिंहासन रूढ़ हो चुका था और उसने अपने 600,000 सैनिकों की सेवा से संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उसे अपने अधीन कर लिया। यह टिप्पणी थोड़ी अतिशयोक्ति कही जा सकती है क्योंकि इतना ज्ञात है कि कावेरी नदी और उसके दक्षिण के क्षेत्रों में उस समय चोल पांड्यों सत्यपुत्रों और केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चितलदुर्ग येरागुडी और मास्की भी पाए गए हैं। उसके शिलालेखित धर्म उपदेश प्रथम और त्रयोदश में उसके पड़ोसी चोल पांड्य और अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है। चूंकि ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि अशोक या उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा है और उसमें विजय प्राप्त किया था, ऐसा माना जाता है कि उन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विजय प्राप्त की थी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और अपना सिंहासन त्याग कर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार का शासन आता है तो चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ और उसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। दक्षिण की ओर सम्राट विस्तार का श्रेय यदा कदा बिंदुसार को भी दिया जाता है। हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी माँ का नाम दुर्धर था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्रघात यानी दुश्मनों का संहार करने वाले की उपाधि दी जाती है जिसने यूनानी ग्रंथों में अमित्रचोटस का नाम दिया गया है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था और उसने एक यूनानी शासक से सूखी अंजीर मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। उसके बाद इनके पुत्र और महान शासक अशोक का वक्त आया। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम अकबर जैसे महान शासकों के साथ लिया जाता है। कुछ विद्वान तो उसे विश्व इतिहास के सबसे सफल शासक भी मानते हैं और अपने राजकुमार के दिनों में उसने उज्जैन और तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था। पर कलिंग की लड़ाई उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और उसका मन युद्ध से हुए नरसंहार से ग्लानी से भर गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए कार्य किया। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उसने देवनाम प्रियदर्शी जैसी उपाधियां धारण की थी। अशोक के शिलालेख और शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उसने धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटियोकस थियोसिस, मिस्र के टोलेमी फिलिडस,
मकदूनिया का एंटीकोनस, कोनातस, साइरीन का मेगास तथा एपायरस का अलेक्जेंडर शामिल था। अपने पुत्र महेंद्र को उसने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया। पटना पाटलिपुत्र को ऐतिहासिक महेंद्रु घाट उसी नाम पर नामांकित है। युद्ध से मंद उग जाने के बाद उसने एक बड़ी सेना को बनाए रखा और ऐसा विदेशी आक्रमण साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक भी था। अशोक के प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि आज की आधुनिक पटना थी, इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए चार और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौशाली थी और दक्षिणी भाग की राजधानी सुवर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तरी व पश्चिम भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला और पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला और कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपाल कुमार होते थे जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूह में बटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। राज्य जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में पूरा अध्याय लिखा। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगस्थिनिस ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया गया था जिसमें 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे होते थे। प्रत्येक समिति का कोई निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन संबंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र से बाहर से आने वाले लोगों, खासकर विदेशियों के मामले को देखती थी। तीसरी समिति का ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री और पढ़ने पर नजर रखना था। पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नजर रखती थी और छठी का काम कर वसूलना था। नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे, जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, देवालों, शिक्षण संस्थाओं, जलापूर्ति, बंदरगाहों की मरम्मत और रखरखाव का काम करना। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। कौटिल्य ने नगर प्रशासन में कई विभाग का भी उल्लेख किया है जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित करते, जैसे लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान एवं खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क और कर विभाग। मौर्य सम्राट के समय एक और बात जो भारत के लिए अभूतपूर्ण थी वो थी कि मौर्य युग का गुप्त जाल। उस समय पूरे राज्य में गुप्त चरों का जाल बिछा दिया गया था जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन और सेना तक पहुंचाते रहते थे। भारत में सर्वप्रथम मौर्यों के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित की गई। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतंत्र का हास हुआ और राष्ट्रतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह और विदेश नीति संचालित होती थी। राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और कोश, सेना और मित्र, ये उसके 7 सप्तांग हैं। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना का परिणाम ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पण थी और अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमान का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतन 60 पण था और अधिकतम वेतन 48,000 पण था। धार्मिक स्थिति देखते हैं मौर्य साम्राज्य की। 6 सदी ईसा पूर्व मौर्य के उदय के से लगभग 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदाय का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े हुए थे। 6 सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चला है, जिसमें बौद्ध और जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध और जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण में शैव और वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। शैव संप्रदाय शंकर के लिए और वैष्णव विष्णु के लिए है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कहा जाता था कि चंद्रगुप्त अपना राज सिंहासन त्याग कर अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। इसके बाद के शिलालेखों में भी ऐसा पाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे
निष्ठावान जैन की तरह आमरण उपवास करके दम तोड़ा था। वहां पास में ही चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी, जिसका नामकरण शायद चंद्रगुप्त के नाम पर ही किया गया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद उसने धर्म के प्रचार पर अपना ध्यान लगाया। यहाँ धर्म का मतलब कोई धर्म या मजहब या रिलीजन से ना होकर नैतिक सिद्धांत से था। उस समय ना तो इस्लाम का जन्म हुआ था ना ही ईसाई का, अतः वे नैतिक सिद्धांत उस समय बाहर के किसी धर्म का विरोध नहीं करना था, बल्कि मनुष्य को एक नैतिक नियम प्रदान करना था। अपने दूसरे शिलालेख में उसने लिखा है कि धर्म क्या है, अल्प दुष्कर्म और अधिक सत्कर्म, रोष, निर्दयता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या जैसी बुराइयों से बचना तथा दया, उदारता, सच्चाई, संयम, सरलता, हृदय की पवित्रता, नैतिकता में आसक्ति और आंतरिक तथा बाह्य पवित्रता आदि सदाचारों का पालन करना। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उसने शिकार करना और पशुओं की हत्या करना छोड़ दी तथा मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना कराई। उसने ब्राह्मणों और विभिन्न धार्मिक पंथों के सन्यासियों को उदारतापूर्वक दान दिया। इसके अलावा उसने आराम गृह एवं धर्मशालाएं, कुएं और बावड़ियों का भी निर्माण कराया। उसने धर्म महामात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम आम जनता में धर्म का प्रचार करना था। उसने विदेशों में भी अपने प्रचारक दल भेजे। पड़ोसी देशों के अलावा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, साइरिन तथा अबायरस में भी उस धर्म प्रचारकों को भेजा। हालांकि अशोक ने खुद धर्म बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर उसने अन्य संप्रदाय के प्रति भी आदर भाव बनाए रखा तथा उनके विरुद्ध किसी भी कार्रवाई का उल्लेख नहीं मिलता है मौर्य काल में। अब बात करते हैं मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था की। तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा संचालित थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज मतलब हाथी की सेना, रथ सेना और नौसेना मतलब नेवी की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था और यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। अगस्तनीस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6,00,000 पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित एक अजय सैनिक थे। अब यहाँ का प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी और ये प्रांत थे प्राची, इसे मध्य देश कहते थे, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राजधानी उज्जैनी थी और कलिंग इसकी राजधानी तोलाई थी। प्रांतों या चक्रों का प्रशासन राजवंशी कुमार यानी आर्यपुत्र नाम के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुमार्य भाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नाम के अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय विभाग, तत्पश्चात प्रांत आहार विभक्त था। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई थी, 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गाँव की व्यवस्था करता था। अब यहाँ के नगर प्रशासन की बात करते हैं। मेगास्थीरियस के अनुसार मौर्य साम्राज्य की नगरी प्रशासन 6 समितियों विभक्त था। प्रथम समिति जो थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। तृतीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था। तृतीय समिति जनगणना करवाते थे। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति विक्रय की व्यवस्था करती और उसका निरीक्षण करती थी। और छठी समिति बिक्री कर व्यवस्था का काम करती थी। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी सूत्रों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी थे। एग्रोनोई, जिसे हम जिलाधिकारी या कलेक्टर कहते हैं, एंटीनोमोई, नगर आयुक्त, कमिश्नर और सैन्य अधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बहुत ही कम समय के लिए इतिहास में अपना नाम किया और उसके बाद इनका शासनकाल खत्म हो गया। तो मौर्य सम्राट की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों तक 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसी के सेनापति कुशमित सुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और इसके पतन के जो मुख्य कारण हैं वो हैं कि अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जिसने अशोक की भावी संपदा या साम्राज्य को आगे बढ़ाता। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, सारी सत्ता इन्होंने
पटना और या अवंती या उज्जैनी तो शाली से संचार करने की सोची। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं थीं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों में अधिकता थी। विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य का पतन के लिए विभिन्न विभिन्न कारण भी दिए। हरप्रसाद शास्त्री जी कहते हैं कि इसका कारण था धार्मिक नीति, जो कि ब्राह्मण विरोधी नीति कारण था। हेमचंद राय चौधरी का कहना है कि सम्राट अशोक की अहिंसक और शांतिप्रिय नीति इसके मुख्य कारण है। डी डी कौशाम्बी साहब कहते हैं कि आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना। डी एन झा जी का कहना है कि यहाँ दुर्बल उत्तराधिकारी इसके पतन के मुख्य कारण है। और रोमिला थापर जी कहती हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र की अव्यवस्था एवं अप्रशिक्षित होना इसके लिए जिम्मेदार था। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पर पाए गए। पटना के पास कुखरार में अशोककालीन भग्नावशेष पाए गए। अशोक के स्तंभ तथा शिला और शिलोत्कीर्ण उपदेश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में मिले हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व भीड़ शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई। यह साम्राज्य कर्तव्य व्यवस्था पर राष्ट्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग दिया था। विष्णु गुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नाम थे। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के संबंध विवाद है। ब्राह्मण बौद्ध और जैन ग्रंथों परस्पर विरोधी विवरण मिलता है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षाओं के बाद यह तथ्य निर्धारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर प्रमुख थे। जब वह गर्भ में ही था तो उसके पिता की मृत्यु युद्धभूमि में हो गई थी और उसकी जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और वह एक गोपालक द्वारा पोषित किया गया था। चारवाह और शिकारी के रूप में ही राजा गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया और उसे 1000 कर्णाषण में खरीद लिया था। तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था और 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई और उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी सेनापति फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था तो भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों का अधिकार कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र राजा था। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद को नाश करने के लिए मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलूकस उसका उत्तराधिकारी बना और सिकंदर द्वारा जीता गया भूभाग प्राप्त करने का उत्सुक था। इस उद्देश्य में 305 ईसा पूर्व में भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेलूकस निकेटर को पराजित किया और उससे हेरात अराकोसिया मतलब कंधार जेट्रोसोइया पेपरोनिया जो कि काबुल के भूभाग के को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेलूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और उसने मगस्थिनिस को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख जो 146 ईसा पूर्व में लिखा गया था के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे और उसने क्षेत्र का निर्माण कराया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल कंधार हेरात बलोचिस्तान पंजाब गंगा के मैदान बिहार बंगाल गुजरात और विंध्य और कश्मीर के भूभाग भी सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि वज्रबाहु के साथ छोड़ बेलगोला चला गया और 298 ईसा पूर्व में उपवास दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर का त्याग किया। बिंदुसार जो इनके पुत्र हुए और जिनका जिन्हें जिसे वायु पुराण में मंदोहर और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया यूनानी लेखक ने इन्हें अभिलोचच भी कहा है। यह 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी और थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के समय भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एथियोकस ने डाइमेकस नाम के राजदूत को भेजा। मिस्र के राजा टॉलमी के काल में डायनोसिस नाम का राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राजसभा में आया था। दिव्य दान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए जिसके दमन के लिए पहली बार अशोक को दूसरी बार अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रतिम उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए गए। दिव्य दान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 5 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी। इसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया। अंततः 263 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई।
उनके बाद उनका पुत्र अशोक गद्दी पे आया और अशोक की अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने को में ही 4 वर्ष लग गए। इसके बाद राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। वह 263 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और अभिलेखों में उसे देवाना देवनाम प्री एवं राजा आदि उपाधियों से मोहित किया गया। मास्के और गुजरा अभिलेख में उसका नाम अशोक, पुराणों में उसका नाम अशोकवर्धन कहा गया है। सिंधी अनुसूचियों में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस उत्तराधिकार के लिए कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं होते। दिव्यदान में अशोक की माता शुभ्रदांगी जो चंपा राज्य की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सिंघली अनुसूचियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक वृक्षा में रुका, जहाँ उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संगमित्रा का जन्म हुआ। दिव्यादान में उसकी पत्नी का नाम विश्वलक्षिता भी मिलता है। उसके लिए लेख में केवल एक ही पत्नी का नाम करुणावकी है, जो तीवर की माता थी। बौद्ध परंपरा और कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाकर सुसीम को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, लेकिन अशोक और उसके बड़े भाई सुसीम के बीच युद्ध की चर्चा है, जिसमें अशोक विजयी हुआ और उसने सुसीम का वध किया था। तो ये हुई मौर्य साम्राज्य के बारे में आप विस्तृत जानकारी। अशोक के बाद जो राजा हुए और जो आखिरी प्रतिनिधित्व हुए, कुल 9 राजा हुए, इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे राजा थे, जिन्होंने कोई बड़ा ऐसा काम नहीं किया कि इनको इतिहास याद करें या हम और आप इनको पढ़ें। तो ये हुई मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी, जिसमें हमने 3 महान शासकों को पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सबसे और उनके पुत्र जो महान सम्राट गिने गए अशोक को पढ़ा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज आर एस अकेडमी में विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademy.com में विजिट कीजिए। थैंक यू।